हेलो भाई, यार क्या बोलूँ, एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। अब क्या कर दिया? हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। गाइस मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो गेम लवर्स चैनल। तो यार कैसे हो आप सब? तो भाइयों, आपके भाई ने बना दिया है एक बार फिर से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इस बार इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, चलो मैं बताता हूँ। वेल, मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड, ठीक है, एंड मैं आता हूँ वाटर सिटी। मेरे साथ तीन बंदे और आते हैं। अब यार ये डेफिनेटली रैंक पुशर सी है, तभी मेरे साथ आया। मैं फटाफट ना कुछ गन्स वंस जो भी मुझे मिलते हैं मैं उसको समेट के टावर के ऊपर चल जाता हूँ ताकि मुझे क्लियर विजन मिल जाए। तो स्क्वाड हाउस के नीचे एक एक्सूट वाला बंदा होता है, हालांकि मैं उसको थोड़ा बहुत डैमेज ही दे पाता हूँ, उसको मार नहीं पाता हूँ, ये बच जाता है। लेकिन उसी दौरान इसका एक टीममेट मेरे टावर पे आ जाता है। अब इससे मेरा ठीक ठाक फाइट चल रहा है, ना ये ऊपर आ रहा है ना मैं नीचे जा रहा हूं, लेकिन मैं इसको बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा डैमेज दे देता हूं। तो इसको हेड लगता है लेकिन ये नॉक नहीं होता है। अब डेफिनेटली ये थोड़ा ही बहुत एचपी पे बचा होगा। वेल, मैं नीचे फोकस करता हूँ एक्सूट वाले पे, इसको भी मैं थोड़ा ही डैमेज दे पाता हूँ। अभी वो नॉक नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, लेकिन उसी दौरान ये स्टन कर देता है मेरे ऊपर। मैं यहाँ पे फ्री फायर देते रहता हूँ, लेकिन अब देखो क्या होगा। यहाँ पे मैंने इसको नॉक दिया और नीचे अब एक्सूट वाला बंदा बचा होता है, उसको भी मैं फटाफट नॉक देने का ट्राई करता हूँ। अब ये दोनों हो जाते हैं नॉकआउट, हालांकि इसका एक बंदा और जिंदा होता है। अब वो कहां है, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं। तो मैं इन दोनों को फिनिश करता हूं और इनको लूटता हूं, उसके बाद नीचे जाता हूं। मुझे इससे ठीक ठाक लूट मिल जाता है जो कि फाइट लेने लायक होता है। उसी दौरान यहां पर आ जाता है एक बॉट, तो यहां पे बॉट हो जाता है खत्म। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, अब असली गेम यहां से शुरू होता है। फिलहाल जो ऊपर एक्सूट वाला बंदा जिसको मैंने मारा था, मैं उसका मतलब पेटी जाता हूँ लूटने, क्योंकि मेरे पास लूट बहुत ही लिमिटेड होते और जरूरी है, क्योंकि किसी भी दौरान किसी से भी मेरा फाइट हो सकता है। तो इससे मुझे कुछ गोलियां मिल जाता है और एक एक्सटेंड मैग मिल जाता है। लेकिन उसी दौरान जिस एक्सूट वाले को मैंने फिनिश किया था वो रिकॉल होकर दोबारा आ जाता है। और ये यहां पे हो जाता है वापस से नॉक। बेटे बदला लेने आए थे, जाके खेलना सीखो, एक सूट पहनने से थोड़ी ना तुम पिरो प्लेयर बन जाओगे। तो इसको मैं जल्दी से फिनिश देता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब इनका एक और बंदा था जिसको मैंने मारा था और वो मेरे से आता है बदला लेने, ये वही बंदा है। और सामने से एक गाड़ी आता है, मैं इसको भी कुछ डैमेज देता हूं, और ये वही बंदा है जिसने इन दोनों को रिकॉल किया था। तो ये नॉकआउट होता है, लेकिन कुछ देर के बाद ये रिवाइव हो जाता है। अब यहां पे ना देखना, हम दोनों के बीच में नॉकआउट वाला गेम चलते जाएगा। मैं उसको कितने बार नॉक किया हूं मुझे नहीं मालूम भाई, मैंने आई थिंक उसको 15 से 16 बार नॉक दिया, जो कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। अब बस देखते रहो मैंने इसको कितना बार नॉकआउट दिया है। ये देखो अभी जस्ट नॉकआउट हुआ था, ये शायद तीसरी बार नॉकआउट हुआ है। इसको नॉक देते जा रहा हूं देते जा रहा हूं, वापस से रिवाइव हुए जा रहा हुए जा रहा, मतलब क्या सीन चल रहा था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। एक बार फिर से ये नॉक, ये चौथा बार है। अब ये वापस से मुझे थोड़ा सा पिक देगा और फिर से नॉकआउट होगा। देखो वापस से पिक दिया, अब अंदर आ गया कवर में, लेकिन ये फिर से नॉक होगा। देखो अगेन नॉक भाई, इसके साथ मेरा नॉक वाला गेम इतना गंदा चला, मुझे तो लग रहा था भाई गंदा वाला डैमेज होने वाला है। लेकिन अब इसने क्या किया कि ये अब दूसरे ब्रोकन वॉल पे चला गया, मतलब इसने लोकेशन चेंज कर दिया। और इसका दूसरा टीममेट मेरे ऊपर फायर नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई।
अगेन नॉक। अब यार मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थक जाता हूँ ये नॉकआउट वाला गेम देखकर, तो मैं पीछे के रास्ते से निकल जाता हूँ। उसी दौरान मेरे सामने एक गाड़ी रहता है, और अब देखना जरा किल चार्ट पे नजर रखना किसका नाम आता है। ये लो भाई, ये वही बंदा होता है जिसका नाम आया था हेलीकॉप्टर पे। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फार्म में, क्योंकि मुझे शॉप से ना एक गन लेना था जो कि था AKM। बैरल अपने को जमता नहीं है, इसलिए मैंने उसको एक्सचेंज कर लिया। लेकिन उसी दौरान जब मैं फार्म के रिकॉल सेंटर को ऑलमोस्ट क्रॉस करता हूँ तो मुझे एक गाड़ी का आवाज़ आता है। मुझे लगा कि वो मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे गाड़ी को टर्न करके रोक देता हूँ। अब यार देखना यहाँ पे क्या क्या सीन होते हैं। पहले तो यार यहाँ पे 6 बंदे अलाइव होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद 3 हो जाते हैं, जिसमें से 2 बंदे मेरे सामने रहते हैं। इनसे मेरा ठीक ठाक फाइट चलता है। तो इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे शांति से भाई लेट जाता हूँ। अब मुझे क्यों लग रहा था कि उनमें से उनका एक बंदा जरूर मेरे ऊपर रश करेगा, तो मैं बस वेट करता हूँ कि काश उनमें से कोई एक बंदा मेरे ऊपर रश करे। और थोड़ी देर के बाद वही होता है। मैं यहाँ पे जल्दी से गन स्विच करता हूँ, और मैं यहाँ पे शॉक रहता हूँ कि ये नॉकआउट क्यों नहीं हुआ भाई, मतलब इतना डैमेज। लेकिन उसी दौरान भाई मेरा गोली खत्म हो जाता है, तो मेरे पीछे एक पेटी रहता है, मैं उसको लूटता हूँ। लेकिन अब नाम देखना जरा भाई, ये वही बंदा होता है जिसको मैंने पता नहीं कितने बार नॉक दिया, और ये फाइनली मर जाता है यहाँ पे। किसने मारा भाई पता नहीं, लेकिन क्या था ये, एकदम मैं शॉक्ड था। अब जोन क्रॉस कर लेता है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ रश, और उसके बाद होता है धमाका। ये पहला नॉक, जल्दी से कवर में आता हूँ। और लो भाई साहब, इसी के साथ हमारा चिकन डिनर हो जाता है। लेकिन अभी रुको, जो लोग वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं, रुको मेरे भाई। अब देखो यार यहाँ पे क्या सीन होता है, जरा मेरे डैमेज पे नजर रखना। मेरे 6 किल है, सिर्फ 6 किल है, ठीक है। लेकिन अब मेरे डैमेज पे नजर रखना भाई, 9879 डैमेज। कैसे भाई, ये देखने के बाद मैं कसम से शॉक हो जाता हूँ। मैं तुरंत YouTube पे जाके चेक करता हूँ कि क्या किसी ने इतना डैमेज किया है या नहीं, तो मुझे एक वीडियो देखने को मिलता है जो कि 36 किल्स का रहता है और 6342 का डैमेज रहता है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 किल में 9879 का डैमेज किया है, एंड पता नहीं कैसे भाई हो गया। आप देख सकते हो, मतलब हो सकता है कि उस बंदे का कृपा हो भाई, 14 से 15 बार नॉकआउट हुए जा रहा है, वापस आ रहा है, फिर नॉक हो रहा है, मतलब कसम से यार क्या ही था ये। अब जो था भाई, यहाँ पे एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन गया है, एंड आप सब भी अपने चैनल पे जाओ, बताओ, और मुझे ज़रूर मेंशन करना इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे भी मेंशन कर सकते हो, मैं सबके वीडियोस को शेयर ज़रूर करूँगा। और जाओ रिक्रिएट करो और बताओ दुनिया को कि एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, दम है तो तोड़ के दिखाओ। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे मज़ा उतना नहीं आएगा, तो लाइक करके जाना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर देना, ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस रोज़ाना देखो। और शेयर भी कर देना, है ना, शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। सबको बताओ, शेयर करो, आग सब फैला दो भाई साहब, और कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद स्पैम ज़रूर कर देना। तो चलो गाइस, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस।